में सबसे पहले जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसकी समीक्षा थी, और उस समीक्षा से पहले दिल्ली में 1 तारीख को सेंट्रल की बैठक में पूरे मध्य प्रदेश की वहाँ पर समीक्षा हुई। इसमें माननीय बहनी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। उसके बाद वो जो आज बैठक हुई है उसमें समीक्षा में लोकसभा में हम क्यों हारे और उसको हार में मैं अब क्या सुधार करते हुए आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में जोरदार वापसी कैसे करना है, संगठन को माननीय बहनी ने बताया कि सरलीकरण करते हुए छोटे छोटे जोन बनाकर अपने जोन प्रभारियों की नियुक्ति करके जिला स्तर, विधानसभा स्तर और सेक्टर स्तर पर एक सोशल इंजीनियर को मजबूत करते हुए अपने संगठन को मजबूत। सर क्या कुछ निकला, क्यों हार हुई है मध्य प्रदेश में? किसी जमाने में आपका अच्छा वोट बैंक हुआ करता था मध्य प्रदेश में, एकदम से खिसक गया, विधानसभा में भी देखने को मिला, लोकसभा में भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है, हार तो यहाँ पे कांग्रेस की भी बहुत बुरी थी, जिसकी सरकार थी, जिसके राजा महाराजा हार गए। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, पर कुछ जो ईवीएम की बात पूरे देश में सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के थ्रू इन्होंने उसमें गड़बड़ी की है, और उसका प्रमाण है कि जब पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के प्रमुख चुनाव आयोग से जब ये रिक्वेस्ट करने पहुँचे कि आप वीवीपैट की पर्चियों को पहले गिने या फिर 50% वीवीपैट की पर्चियों को देने का काम करें, जो मांग को स्वीकार किया, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने चुनाव में साठगांठ करके। सर कांग्रेस को जो समर्थन दे रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश में, आगे भी जारी रहेगा? जी माननीय बहनी का पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उन्होंने कह दिया सर आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस या किसी दूसरे दल से मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन हो सकता है? नहीं, कोई गठबंधन की बात नहीं,